हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका आप ही के यूट्यूब चैनल ईवी मॉन्ग पे। तो दोस्तों, आज हम आए हैं एक बहुत ही पुराने टू व्हीलर स्टॉल के बाहर। तो ये बहुत ही पुरानी कंपनी है जिसका ई स्कूटर आप पीछे देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज इनसे इनके इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, लेट्स कम एंड हैव अ लुक व्हाट दिस ओल्ड टू व्हीलर कंपनी हैज़ टू ऑफर इन देयर इलेक्ट्रिक ई स्कूटर्स। सो कम फ्रेंड्स, ऑन वी गाइस। आर हेयर एट द बजाज इलेक्ट्रिक ई स्कूटर्स स्टॉल एंड हेयर वी विल मीट। सर, आपका नाम? अजय शर्मा। अजय जी, आज हम बजाज के ई स्कूटर्स पे आए हैं, स्टॉल पे आए हैं आपके। तो सर, आप ई स्कूटर्स के बारे में बताइए, आपके क्या क्या ऑफर्स हैं? ऑफर के लिए ई स्कूटर के साथ साथ बजाज ने ई व्हीकल भी निकाल दिया है। ओके, ऑटो और लोडिंग ओके दोनों वेरिएंट हमने लॉन्च करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, एक ये गुड्स के लिए है। हाँ जी, इसमें गुड्स कैरी किया जाएगा। ओके, और एक मॉडल हमारे पैसेंजर कैरिंग के लिए। ओके, तो दोनों में ही वेरिएंट बहुत अच्छे निकाले हैं कंपनी ने और रेंज बहुत अच्छा है मार्केट में, इतना भी रीजनेबल से भी बेस्ट है। राइट, सेम ये कंडीशन इसके साथ भी अप्लाई होगा। ओके, ये भी 180 किलोमीटर चलेगा आपका। ओके, और इसकी वारंटी कंपनी ने अभी जो डिसाइड की है वो 3 साल वारंटी है बैटरी की आपकी, या 80,000 किलोमीटर जो भी पहले आएगा, जो भी पहले हो जाएगा कस्टमर का। ओके, और एक नया चीज हमने लॉन्च किया है कि साथ में रोड असिस्टेंट, ओके, साइड असिस्टेंट 24x7 है हमारा। मोस्टली कंपनियों का कम समय के लिए होता है लेकिन हमारा 24x7 रहेगा। ओके, कस्टमर को कोई भी इशू आता है जैसा कि आप मार्क करके दिखा पाएंगे, यहाँ पे एक हमने लोगो लगा रखा है मतलब सहायता के नाम का। ओके, ये कस्टमर केयर नंबर है, इसका कस्टमर कॉल करेगा, अपनी डिटेल्स बताएगा, उसको जितनी भी जल्दी पॉसिबिलिटी हो सकेगी कंपनी की तरफ से हेल्प पहुँच जाएगी, हेल्प पहुँच जाएगी। और सर, इसकी आपकी चार्जिंग आप बता रहे हैं कितने घंटे में हो जाएगी? सर, इसका अगर फुल चार्ज की बात करें तो अप्रॉक्स 3.5 से 4 घंटे में कंप्लीट 100%। ओके, और 80% आपका 2.5 से 3 घंटे के अंदर होगा। ओके, तो इसकी बैटरी की कितनी पावर है कुछ आप बता पाएंगे हमारे? बैटरी इस वाले वेरिएंट में दो मॉडल है। ओके, 9 किलोवाट की बैटरी है, 1 12 किलोवाट की। ओके, अगर 9 किलोवाट वाली कस्टमर परचेज करता है तो अराउंड 150 के अराउंड वो जाएगा, 12 किलोवाट वाली बजाज के थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक लोडर की, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको दिखाते हैं ये बजाज का इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर जो लोड किंग है, जिसको एज अ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये इसके यहाँ पे साइड मिरर हैं जो दोनों तरफ आपको मिलते हैं, राइट एंड लेफ्ट की तरफ। और यहाँ पे आपको इसी तरीके से बहुत बड़ी विंड स्क्रीन मिल जाती है, और यहाँ पे आपको सिंगल वाइपर मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इसके इंडिकेटर मिल जाएंगे राइट एंड लेफ्ट की तरफ दोनों। और यहाँ पे आपको इसकी नंबर प्लेट के लिए यहाँ पे आपको जगह मिल जाती है। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे अगेन बजाज मैक्सिमा की यहाँ पे आपको बैजिंग मिलती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इसकी हेडलाइट्स मिल जाती हैं दोनों तरफ, राइट एंड लेफ्ट, जो कि आपको रात को बहुत ही अच्छा आपको व्यू देंगी। और फ्रेंड्स, इसका जो लुक है वो बहुत ही दमदार है। और फ्रेंड्स, इसके आप टायर देख पा रहे होंगे, इसके MRF के 130/80R 12 12 इंची के इसके आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको डबल शॉकर मिल जाते हैं दोनों तरफ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे आप देख पाते हैं अंदर की ये एंट्री, इस टाइप की हम खोलते हैं गाड़ी को। और यहाँ पे आप विंडो देख सकते हैं, इसके बटरफ्लाई विंडोज़ हैं कुछ इस टाइप के। ये गाड़ी लॉक हो जाती है और जब इसको खोलना हो तो इस सब खुल जाती है। तो फ्रेंड्स, अंदर आप देख पा रहे हैं इसकी यहाँ पे ये जो एक्साइड की यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, मेंटेनेंस फ्री। और यहाँ पे आपको स्टेपनी दे रखी है अलग से, और पूरा सामान स्टेपनी का यहाँ पे सीट के नीचे ही है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक ये ब्रेक पेडल है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक कार है, गाड़ी है, तो इसमें क्लच के लिए कोई भी जगह नहीं है। और फ्रेंड्स, जब हम गाड़ी को ऑन करते हैं तो कुछ इस टाइप का इसका डिस्प्ले आता है। यहाँ पे TFT कलर मॉनिटर भी है। और फ्रेंड्स,
आप देख पा रहे होंगे इसकी चार्जिंग अभी इतनी है इतनी, और इस इतनी चार्जिंग पे ये 51 किलोमीटर की इसकी रेंज आएगी। और यहाँ पे न्यूट्रल पे है गाड़ी, और यहाँ पे फ्रेंड्स अभी पार्किंग मोड में है गाड़ी, और यहाँ पे थोड़ी सी जगह दे रखी है, कुछ भी आप सामान रख सकते हैं छोटा मोटा अपना। और फ्रेंड्स यहाँ पे ग्लव बॉक्स भी दे रखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चार्जिंग के लिए पोर्ट है, आप कुछ भी अपना मोबाइल कुछ भी इलेक्ट्रिकल आइटम यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स नीचे यहाँ पे पार्किंग के लिए ये बटन दे रखा है, तो इसमें चारों आपके जो इंडिकेटर्स हैं वो जल जाते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बटन दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप के ये इसके बटन हैं। ये जो है बटन वाइपर के लिए है, इसको ऑन करते हैं तो इसका वाइपर जल जाएगा, इसको ऑफ़ करेंगे तो वाइपर ऑफ़। और ये हेडलाइट्स के लिए हैं, ये हेडलाइट ऑन करते हैं हम तो कुछ इस टाइप का इसमें आपको लाइट आएगी। और फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ पे अभी कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा है। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये ड्राइव मोड्स के लिए इसके बटन दे रखे हैं, अभी न्यूट्रल पे है। फिर ये रिवर्स मोड के लिए ये बटन है इसका, और ये ड्राइव मोड है इसका, और ये आगे नेक्स्ट लेवल स्पीड के लिए। और ये फ्लैश के लिए है इसका बटन, जो आप देख पा रहे हैं ये इस फ्लैश के लिए है। और फ्रेंड्स ये इंडिकेटर के लिए, लेफ्ट इंडिकेटर के लिए लेफ्ट, और राइट इंडिकेटर के लिए राइट, ये जल जाती है यहाँ पे। और फ्रेंड्स ये इसका हॉर्न है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसका जो हैंडब्रेक है वो यहाँ पे दिया गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अभी हमने इसको हैंडब्रेक से हटा दिया और इसका हम वापस हैंडब्रेक लगा देंगे। और फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे बहुत ही स्पेशियस गाड़ी है। यहाँ पे भी लाइट दे रखी है जैसे कि गाड़ी में होती है, रात में ये काम आएगी फ्रेंड्स। और इस गाड़ी से निकलना और वापस अंदर एंट्री बहुत इजी है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे इसके पीछे ये MRF के अगेन सेम 12 इंची के आपको टायर मिल जाते हैं पीछे। और ये इसके शॉकर्स हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसकी बैटरी जो है पूरी नीचे फिटेड है, पूरी केसिंग है इसके अंदर। और फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये कुछ इस टाइप का आपको इसमें स्पेस मिल जाती है। इसमें आप अपना सामान कुछ भी आराम से पूरा लोड करके यू कैन यूज़ इट फॉर योर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। तो फ्रेंड इसको हम वापस लॉक कर देते हैं। फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे नीचे इसके इंडिकेटर हैं, ये इसका टेल लाइट है इसके, इसी को हम एज ए इंडिकेटर और रिवर्स में भी यही यूज़ होगा। और पीछे इसमें कैमरा भी दिया गया है फॉर रिवर्स, जब करते हैं हमारे ड्राइवर लोग उनके लिए ये कैमरा ये भी फैसिलिटी दी गई है। और यहाँ पे भी टेल लाइट आप देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स बात कर लें इसके चार्जर की, तो चार्जर इसका अगेन 16 एम्पेयर 3 पोर्ट चार्जर है जिसकी चार्जिंग यहाँ पर होगी। इसका पोर्ट यहाँ दिया गया है, इसको आप आराम से चार्ज कर सकते हैं। 4.5 से 5 घंटे में आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी। और इसको वापस आप बंद करके इसको लॉक कर सकते हैं, एंड अगेन यू कैन ड्राइव इट फॉर 150 और 180 किलोमीटर्स ऑन अ सिंगल चार्ज। फ्रेंड्स आपको इसमें 2-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाएगा। और फ्रेंड्स इसमें जो टॉप स्पीड है वो आपको 40 किलोमीटर पर आर के मिलती है, और इको मोड पे आपको 30 किलोमीटर पर आर के आपको इसमें स्पीड मिल जाएगी, जो कि बहुत इनफ है विद लोड। और फ्रेंड्स आपको इसकी जो बैटरी है वो ली आयन LFP बैटरी मिलेगी। बैटरी की कैपेसिटी 11.8 किलोवाट की होगी, और इसमें IP67 की पैकेजिंग है। जो इसका चार्जर है जैसा कि मैंने आपको बताया 3-पिन 16 एम्पेयर का है, और इसका सॉकेट भी दिखाया था। और ये आपके 5.5 से 6 घंटे में ये आपकी लोडर जो हमारी बजाज की इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर है ये चार्ज हो जाएगी आपकी। और इसकी रेंज जो होगी वो अराउंड 150 से 180 किलोमीटर होगी अकॉर्डिंग टू इट्स बैटरी कैपेसिटी। तो फ्रेंड्स इसका जो व्हील बेस जो आपको डायमेंशन में बता दूं, इसका व्हील बेस जो है वो अराउंड 2274 है। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी बहुत अच्छा है 180 mm का। और जो इसका ट्रे साइज़ है वो है 1840x1425x275। तो फ्रेंड्स अब इसकी ड्राइव ट्रेन की हम बात कर लेते हैं। जो इसकी आपको पावर मिलती है वो 5.5 किलोवाट की मिलेगी कंटिन्यूस। इसका टॉर्क 36 Nm का होगा,
रेडिएबिलिटी 29% मैक्स और 20% कंटिन्यूस। और फ्रेंड्स इसका सस्पेंशन तो आपको मैंने दिखाई दिया था, और आपका इसका ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी रीजनरेटिव आपको मिलेगा। जब आप ब्रेक लगाएंगे तो इसकी बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। और फ्रेंड्स इसमें आपको हिल होल्ड असिस्ट भी मिल जाता है, आपकी गाड़ी किसी भी ढलान पे पीछे नहीं खिसकेगी, वहीं पे कंटिन्यूस एक ही जगह स्टैंड रहेगी। और आपको इसमें 3 साल या फिर 80,000 किलोमीटर तक की आपको इसमें वारंटी मिल जाती है। और फ्रेंड्स इसके साथ ही आपको इसमें 24/7 रोड साइड असिस्टेंस मिलेगा, और आपको मेरा बजाज ऐप भी मिलेगा, जिससे आपको अपने आसपास जो भी चार्जिंग नेटवर्क है उसके बारे में पता चल जाएगा, और आप अपनी गाड़ी वहाँ पे कहीं भी आसपास चार्ज कर पाएंगे, और आप बहुत ही आराम से इसमें अपना पैसा कमा पाएंगे जो भी हमारे ड्राइवर लोग हैं। फ्रेंड्स जो हमारा ये बजाज का कार्गो है, ये आपको बजाज मैक्सिमा एक्सेल कार्गो ई टेक 12.0 के नाम से इसकी बैजिंग रहेगी। तो फ्रेंड्स आज की आपको मेरी वीडियो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर और ऑटो रिक्शा पे कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट्स में बताइए। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, उसमें बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, ड्राइव सेफ एंड वेयर योर हेलमेट्स ऑलवेज। बाय बाय।